मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भवनों और अन्य अधोसंरचनाओं का उद्घाटन एवं लोकार्पण किया। साथ ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित नव निर्मित कृषि विज्ञान केंद्र भवन, अक्ति जैव विविधता संग्रहालय, नव निर्मित नॉलेज सेंटर भवन एंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो और फाइसो टेनरी प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 16 कृषि महाविद्यालयों में निर्मित ई क्लासरूम का वर्चुअल उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान से प्रोटीन, ग्लूकोज और शुगर सिरप निर्माण तकनीक का लोकार्पण भी किया। राज्य के खेती किसानी को नई दिशा देने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों को आज और मजबूती मिल रही है। आज कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर, उद्यानिकी महाविद्यालय जगदलपुर और कृषि महाविद्यालय रायगढ़ के भवनों के लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही छात्रावास भवनों, अक्ति जैव विविधता संग्रहालय, फाइटोसेनिटरी प्रयोगशाला, नॉलेज सेंटर और 16 महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम का भी लोकार्पण किया गया। चावल से प्रोटीन और ग्लूकोज को अलग करने की तकनीक का भी विकास इस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। मध्य प्रदेश